इस वेले दी वड्डी खबर आ रही है चंडीगढ़ तो जिथे हाई कोर्ट वालों पंजाब सरकार नू वड्डा झटका दिता गया। जी हाँ, हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार दे उना हुक्मां नू रद्द कर दिता है जिन्हां हुक्मां तहत सरकार ने न्यू दीप अते बादल परिवार दी कंपनी ऑर्बिट एविएशन दीआं बसां नू जब्त करन अते उनां दे परमिट रद्द करन दे हुक्म दिते सी। असल विच ऑर्बिट अते न्यू दीप बसां जब्त अते परमिट रद्द करन दे मामले विच सोमवार नू पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट विच सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार वल्लों मामले विच बसां जब्त करन अते परमिट रद्द करन दे हुक्मां नू रद्द करके सरकार नू वड्डा झटका दिता है। हाई कोर्ट ने अज सुनवाई दौरान दोवां बसां कंपनियां नू राहत दिती है। अदालत ने दोवां कंपनियां दीआं पटीशनां मंजूर कर लईआं ने। दस दिए कि जस्टिस अजय तिवाड़ी अते पंकज जैन दी अदालत ने बादल परिवार दी मालकी वाली ऑर्बिट कंपनी दे 33 अते अकाली लीडर हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों दी न्यू दीप बस कंपनी दे 87 बस परमिट बहाल कर दिते ने। इन्हां परमिटां नू पंजाब सरकार ने टैक्स ना भरन दे दोष हेठ रद्द किया सी, जिस खिलाफ दोवां कंपनियां ने पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दा रुख किया थी अते हाई कोर्ट अगे पटीशन पाई सी, जिस तों बाद हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार वल्लों मामले विच बसां जब्त करन अते परमिट रद्द करन दे हुक्मां नूं रद्द करके सरकार नूं वड्डा झटका दित्ता है। ये भी दस दईए कि टैक्स ना भरन कारण पंजाब सरकार वल्लों न्यू दीप प्राइवेट बस सर्विस दे परमिट रद्द कर दिते गए सन। इस विरुद्ध दायर पटीशन ते पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा विड़िंग सने पंजाब सरकार नूं नोटिस भी जारी किया सी। इस मामले ते वीरवार नूं सुनवाई पिछों अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया सी, जिस तों बाद अज अदालत ने फैसला सुनाउंदिया बादल परिवार दी मालकी वाली ऑर्बिट कंपनी दे 33 अते अकाली लीडर हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों दी न्यू बस कंपनी दे 87 बस परमिट बहाल कर दिते ने, जिहड़ा कि पंजाब सरकार लई इक वड्डा झटका है। जी हाँ, इस वेले दी जो सब तों वड्डी खबर आ रही है उह इह है कि हाई कोर्ट वल्लों पंजाब सरकार नूं वड्डा झटका दिंदिया बादल परिवार दी ऑर्बिट अते न्यू दीप बस सर्विस दे रद्द कीते गए परमिट दोबारा तों चालू कर दिते ने। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।